हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 9 राशियों की तुलना कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया गया है फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। तो बच्चों, इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे, अभीष्ट अनुपात बराबर फुटबॉल खेलने वाले बटा बैडमिंटन खेलने वाले। तो फुटबॉल खेलने वाले कितना है 11 और बैडमिंटन खेलने वाले कितना है 4। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अनुपात में लिखेंगे 11:4। आगे बच्चों, दो नंबर में है 25 मिनट का 30 सेकेंड से। तो बच्चों, इसका हल हम लोग इस प्रकार करेंगे, अभीष्ट अनुपात बराबर 25 मिनट बटा 30 सेकेंड। तो चूंकि नीचे सेकंड है तो ऊपर 25 मिनट को भी हम लोग सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 60 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया 25 गुना 60 बटा 30। 30 और 60 को काट देंगे, 30 से 60 को काटेंगे तो दो बार कटेगा, और 25 गुना 2 बराबर 50, और नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 50:1 हो गया इसका अनुपात। आगे बच्चों, 3 नंबर में है 75 पैसे का रुपए 2 से, यानी कि 2 रुपए से। तो इसका अभीष्ट अनुपात बराबर क्या होगा, 75 पैसा बटा 2 रुपया। 2 रुपया को हम लोग पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 75 बटा 2 गुना 100। तो इसको 25 से काट दिए, 25 दिया 75 25 100, तो ऊपर है 3 और नीचे 2 गुना 4, तो कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया और 2 गुना 4 बराबर 8 हो गया। तो अनुपात कितना हो गया 3:8। आगे बच्चों, 4 नंबर में है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। तो इसका हल इस प्रकार से होगा, अभीष्ट अनुपात बराबर 20 पेंसिल बटा 3 दर्जन पेंसिल। तो 3 दर्जन पेंसिल को हम 12 से गुना कर देंगे तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी, तो ये हो गया 20 बटा 3 गुना 12। इसको जो है हम लोग 4 से काट दिए, 4 दिया 12 और 4 से 20, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3 गुना 3 और 3 गुना 3 कितना होता है 9, तो 5 बटा 9 यानी कि अनुपात हो गया 5:9। तो बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न का हल समझ बच्चों अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। 2 नंबर में दिया गया है निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए, और उसमें 1 नंबर का प्रश्न है झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1 है। ठीक है, तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे, अनुपात बराबर 4:1 दिया गया है, बराबर हो गया 4:1, यानी कि कुल जनसंख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4+1=5। अतः गाँव की जनसंख्या हो गया 4 और शहर की जनसंख्या बराबर 1। अतः गांव की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो गया 4 बटा कुल जनसंख्या 5 है, तो 4/5 × 100, तो इसको 5 और 100 को काट दिए, 20 + 5 = 100 होता है, तो 20 से काट दिए, अब ये कितना हो गया 4 × 20 = 80%। और शहर की जनसंख्या का प्रतिशत हो गया 1/5 × 100, 20 + 100, तो 20 हो गया, 1×20 = 20%। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हल हो गया। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न का हल समझते हैं। बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं। देखिए, दिया गया है 1 आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बराबर 3:2, यानी कि लंबाई बराबर 3 और चौड़ाई बराबर 2। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का जोड़ कितना हो गया 3+2=5। अतः आयत की लंबाई का प्रतिशत बराबर 3/5 × 100 बराबर, इसको काट दिए, 5 और 100 को 20 + 100 है, तो 20 हो गया, 3×20=60%। और आयत की चौड़ाई का प्रतिशत कितना हो गया 2/5 × 100 बराबर, यहाँ हो गया, इसको काट दिए, 5 से 5 को 100 से 20 + 100 होता है, 2×20=40%। 3 नंबर के प्रश्न है गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले वाले संख्याओं का अनुपात बराबर 7:3। तो अनुपात बराबर 7:3 = 7/3, कुल 7+3=10 हो गया। अतः पास करने वाले 7 और फेल करने वाले बराबर 3, और पास करने वाले का प्रतिशत बराबर 7/10 × 100, 100 और इस 10 को काटे 10 + 10 = 100 होता है, हो गया 7×10=70%। और फेल करने वाले का प्रतिशत बराबर 3/10 × 100, इसको काट दिए, 10 × 10=100 होता है, 10 + 10 = 100, तो ये हो गया 3×10=30%, यानी कि पास करने वाले 70% और फेल करने वाले 30%। आगे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे, बिना पके हुए आमों की संख्या बराबर 100 - 60 = 40%,
अतः कुल आम 50 है तो 50 का 40% बराबर 50 गुने 40 बटा 100, ये जीरो दोनों कट गया, नीचे का भी दोनों कट गया, तो कितना बचा 5 गुने 4 बराबर 20 आम, यानी कि बिना पके हुए आमों की संख्या बराबर 20। चार नंबर का प्रश्न है बच्चों, राम प्रथम वर्ग से दशम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया, यदि चार बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, प्रथम से दशम श्रेणी दशम तक कुल कक्षा कितने हैं 10, ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी बराबर कितना, द्वितीय श्रेणी कितना कई बार पाया है, 4 बार, तो 4 लिख दिए, अतः प्रथम श्रेणी में पास किया कितने बार, 10 - 4 बराबर 6 बार, तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत कितना हो गया, 6/10, क्योंकि कुल है 10, तो 6/10 × 100, तो ये 10 10 10 100 होता है, तो इसको काट दिए 10 से, और 6 × 10 = 60%। इस प्रकार से बच्चों 4 नंबर के प्रश्न का हल भी हो गया है। तो बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों की 5 नंबर में दिया गया है, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, तो इसका हल बच्चों इस प्रकार से होगा, मोहन के द्वारा बचाया जाता है बराबर 100 - 80 = 20%, यानी कि तनख्वाह का वो 20% बचाता है। माना पहले मोहन के पास एक्स रुपए थे, अतः एक्स गुना 20 / 100 बराबर 180 रुपया बचाता है, अतः एक्स बराबर ये 100 जो है इधर दाई तरफ ले गए तो 180 के साथ गुना हो गया, और 20 को दाई तरफ ले गए तो ये जो है डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 180 × 100 / 20, तो 20 × 9 = 180 होता है, तो 9 × 100 = 900, अतः मोहन के पास प्रारंभ में 900 रुपए थे। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, चाय कॉफी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है, यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो एक नंबर में ज्ञात करना है अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ चाय पीने वाले इस चार्ट को वृत्त चार्ट कहते हैं, यहाँ दिया गया है चाय पीने वाले का प्रतिशत 40, कॉफी पीने वाले का प्रतिशत 20 और दूध पीने वाले का प्रतिशत 30 और अन्य पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत हमें नहीं दिया गया है, तो हमें पहला ही प्रश्न में अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो प्रतिशत है उनका जो होता है 100, तो यहाँ देखिए दूध प्लस चाय प्लस कॉफी प्लस अन्य बराबर 100 हो गया, तो दूध है 30, चाय 40, कॉफी 20 प्लस अन्य हमें ज्ञात करना है बराबर 100, इसको जोड़ देंगे तो हो गया 90 प्लस अन्य बराबर 100, अन्य बराबर 90 को हम दाई तरफ लेंगे तो माइनस हो गया बराबर 10%, यानी कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत हो गया 10%। आगे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है, चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों देखें कि कुल व्यक्तियों की संख्या दिया गया है 220 और इसको अगर हम जोड़ दें चाय कॉफी और दूध तो होता है 90, यानी कि 220 का 90% जो है व्यक्ति ये चाय कॉफी तथा दूध पीता है, तो हम लोग इसको निकाले हैं, चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले की संख्या बराबर 220 × 90/100, ये 0 0 0 से इस 0 को काट दिए, 0 से इसको काट दिए, तो कितना बचा 22 × 9 = 198 व्यक्ति। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 9.1 के सभी प्रश्नों का हल जाना। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।